नमस्कार, मी सुनील लाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोक संदेश न्यूज। बैतुल माल फाउंडेशन कबनूर येथे नूतन कार्यालय उद्घाटन सोहळा संपन्न। इचलकरंजी येथील कबनूर या ठिकाणी दिनांक 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता बैतुल माल फाउंडेशन कबनूर यांच्या वतीने नूतन कार्यालय उद्घाटन सोहळ्याचे औचित्य साधून गोरगरीब गरजू कुटुंबांसाठी धान्य वाटप तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यांचे वाटप करण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून बैतुल माल कमिटी कोल्हापूरचे अध्यक्ष जाफर बाबा सय्यद यांच्या हस्ते नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी श्रीमती शबाना मोकाशी, डॉक्टर फारूक अहमद सो देसाई, हाजी कादर चाचा मलबारी, हाजी अजीज खान, हाजी कैसभाई बागवान, सादिक जमादार, राजू बोरगाव यांसह अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होते। इचलकरंजीहून लोकसंदेश न्यूज साठी फारूक तांबोळी। बरसों हम मजदूर कर रहे हैं लेकिन सही पार्टी अभी तक हमको नहीं आई है। बहरहाल कि सजदों से तेरे क्या होगा, तो सदियां गुजर गई। दो साल पूरा आपके नहस पर और आपके रेबरी में जाफर बाबा यहाँ पर करे। आपको मानवीय ऑफ द ईयर लोगों ने बहुत देर तक देखा, आपको बाद में पहचाना। पहले तो आपके काम तो बहुत जबरदस्त है लेकिन बाद में लोगों को पहचाना कि बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों। कीमती वक्त लेकर आज इनका भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। पहले तो मैं इन सबको जो भी आपके कार्यक्रम में शामिल है और जिन्होंने इस सब इंतजाम किया है सभी को कुछ अच्छा करने का अपने समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति और अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति। तो इस कार्यक्रम के उद्घाटक और प्रमुख कौन है? फाउंडेशन ये नाम ही काफी है और जिसके डायनर डॉक्टर जाफर बाबा हैं। तो इसी इतिहास से हमें ऑलरेडी उनका एक ये है कि वह किस कदम मत्ते कदम पर चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तालीम के अल्लाही के लिए है जो सारे दैवों से पाक है और हर इज्जत का हर तारीफ का हकदार है। अभी हमारे सर ने जो बातें कही ये ऐसा वैसा जाफर बाबा का, मैं तो भाई आप लोगों को सच्चे दिल से कहता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई वक्त नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। बस हुजूर का नाम लेते लेते अल्लाह ने मेरा भी नाम कर दिया। क्या सर? हुजूर का नाम लेते लेते अल्लाह ने मेरा भी नाम कर दिया और हुजूर के गम में हिस्सा लेते लेते दुनिया के अंदर एक अल्लाह ताला ने मुकाम दे दिया। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम को जो कबनूर बैतुल माल ने शुरू किया है, अल्लाह ताला आप लोगों को इस ऊपर बहुत ज्यादा खैर दे। इस वक्त कौम की उपाय बने और उम्मत की बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए उनके दिल के अंदर एक दर्द महसूस होने वाला हो। अल्लाह का फजल है कि आपकी जमात खड़ी हो गई। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत से आगे पहुंचाए और बहुत तरक्की। दूसरी बात, जितने लोग हमारे मेहमान यहाँ सारे स्टेज पर आए हुए हैं, हकीकत में ये बहुत बड़े लोग हैं। हमारी कैटरी है, हाफिज सेठ चले गए, हमारे हाफिज साहब हैं, चाचा और पीछे मौलाना हैं और अभी डॉक्टर साहब भी चले गए। ये तुम्हारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। ये लोग भी वक्त निकाल कर आए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। के लिए इंसान का सीना इतना वसी हो कि उसे उम्मत के गम से परेशानी होने लगे, उसे उम्मत के दर्द से परेशानी होने लगी, उसे उम्मत के आंसुओं का एहसास होने लगी, उम्मत की गरीबी का भूख जब जिस वक्त इसे महसूस हो जाएगा। जिंदगी जीते रहोगे और तुम अपनी जिंदगी में अपने आप को एक मकाम पर लेकर जाओगे, अपनी बीवी बाल बच्चे